फिर उनमें भी पानी नहीं आता है, और यहाँ तो बस टैंकरों से पानी आता है। कोई मतलब ये 2,000 का गेरता है, कोई 1,000 का गेरता है, और पहले ही उनका पैसा बुक हो जाते हैं, दूसरों से फिर पानी मांगते रहते हैं। पानी की पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ नहाने के लिए लत्ते कपड़े धोने के लिए पानी तक नहीं है, लत्तन में से बदबू मारती है जी। बेचारा कमा मामा के जैसे लेता पानी, तो मजदूरी में खरीद नहीं पड़ता है, अपने और काम को भी बाद में करते हैं, लेकिन पानी मूल जरूर पीते हैं। इसको लेकर हम ये कहेंगे जी, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, खाली पानी आ रहा है, और हमारे टाइम बेटम पानी आ रहा है, लाइन बिछकी है, पानी ना भाई। ये 40 साल हमें हो गए यहाँ रहते हुए, पानी घूट ना है, नमक जैसा पानी है, ऊपर वाला बरसे जब तो दाल के लिए पानी लेते हैं हम। ये पानी की ये है, यहाँ पर ये लाइन भी बिछी हुई है, और फिर उनमें भी पानी नहीं आता है, और यहाँ तो बस टैंकरों से पानी आता है। कोई मतलब ये 2,000 का गेरता है, कोई 1,000 का गेरता है, और पहले ही उनका पैसा बुक हो जाते हैं, दूसरों से फिर पानी मांगते रहते हैं। पानी की इतनी हालात चल जा, कोई हिसाब ना है। क्या कहेंगे भाई, पानी की सबसे ज्यादा परेशानी पानी सी पीना की पानी की है। लोग पशु भी पिसाए मर रहे हैं, और एक एक टैंकर 1500-2000 लेता है टैंकर वाला, 10-10 दिन हो जाओ, 15-15 दिन हो जाओ तो पानी नहीं आता पीने के लिए। रैनीवाल परियोजना बनाई गई सरकार के द्वारा, और तो उसमें कुछ फायदा हुआ आपको? फायदा थी है, फायदा जब होता पानी के आ जाता तो आता रहता, फिलहाल परेशान आता ही नहीं पानी। क्या कहेंगे पानी की भाई, मोटी परेशानी है, और पानी यहाँ पर नहीं आ रहा है, यहाँ नहाने के लिए लत्ते कपड़े धोने के लिए पानी तक नहीं है, लत्तन में से बदबू मारती है जी, और टैंकर से पानी गिरता है, वो 1500-1400-1200 रुपए लेते हैं, और फिर भी वे लगातार नहीं लाते हैं, 2-5 दिन में लाते हैं, ताकि उनके लिए सारा पिसाए मर जाए, दूसरा घर से लाते हैं जी, बांस भर भर के अपने काम चलाने के लिए। पानी की बहुत परेशानी है। रैनीवाल परियोजना जिस समय आई थी, उस समय कहा गया था राजनीतिक लोगों द्वारा कि यहाँ पे पानी की किल्लत को दूर कर दिया जाएगा, सर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, हम इतने परेशान हैं, हमारे कपड़ों में बदबू हो रही है पानी के, हम बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, हम अगर मस्जिदों में जाते हैं तो हमारे लिए वजू करने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। हीन तक सच्चाई है जी, तय्यम करके हम नमाज पढ़ रहे हैं, बताओ जी, जो भी की हमारे धर्म में बात ही नहीं है, मस्जिद है चाहे वो मंदिर है, हम ये तक बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी नहीं आ रहा है। सब कुछ बना हुआ है, गाँव में कुंडे भी बने हुए हैं, रैनीवाल की जो बिछाई है वो भी बनी हुई है, नहर भी बनी हुई है, लेकिन पानी आज तक, हमारी उम्र मेरी 50-60 साल की उम्र हो रही है, आज तक हमने पानी नहीं देखा है। क्या कहेंगे सर जी, पानी का इतना बुरा हाल है, लोग बाग इतने परेशान हैं, पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं, एक एक बूंद को तरस रहे हैं। यहाँ मोल टैंकर लेते हैं, उनको भी 8-8 दिन में पानी वो भेजते हैं, और 1500-1800-2000 रुपए तक वो लेते हैं। तो यहाँ पे करीब काफी गरीब लोग रखते हैं, वो कैसे करते हैं जी? वो बेचारे वो भी ऐसे लेते हैं, कोई काय के मांगने के लिए चला जाता है, कोई बेचारा कमा मामा के जैसे लेता पानी, तो मजदूरी में खरीद नहीं पड़ता है, अपने और काम को भी बाद में करते हैं, लेकिन पानी मूल जरूर पीते हैं। तो यहाँ विधायक और सांसदों के सामने जब समस्या उठाते हो तो वो क्या कहते हैं जी? वो कुछ नहीं ध्यान देते, सिर्फ अपनी वोट लेते हैं। पहले कांग्रेस सरकार भी आई, बीजेपी भी रही, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। हर कोई आदमी 21वीं सदी में जाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मैं मेवात के उस क्षेत्र में खड़ा हूं जहां पर आज भी आजादी से पहले का समय दिख रहा है। आप मेरे ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये कुआ है, पूरा गांव यानी एक एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। मेरे ठीक मेरे पीछे जो कुआ है, पूरा ही गाँव इस कुएं से पानी लेता है, और इस कुएं का पानी इतना दूषित है। काफी महिलाएं मेरे साथ खड़ी हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं जी, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? हम ये कहेंगे जी, हमारे पास पानी नहीं आ रहा, खाली पानी आ रहा है, और हमारे टाइम बेटम पानी आ रहा है, लाइन बिछकी है, बूंद पानी नहीं है। करीब कितने सालों से परेशानी चल रही है? कम से कम हो गई हमें 20 साल, तो हमें आते हुए देख रहे हैं। तो जब नेता लोग आते हैं, वादे करते हैं, कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करके जाते, सब टाइम देके जाते हैं, वादा करते हैं, सब देखते हैं, बस ऐसे चले जाते हैं, कोई ना आ रहा ना कैसे चला जाओ, कितना नीचे पानी है, कैसे पानी है, और खूब पतोने से परेशानी आई रही इन पे। अब जो पानी ले जा रहे हो, कैसा पानी है? खराब पानी कर वो कत्ता ले, दिन को बिना है। तो यहाँ पर जो पानी है, यहाँ जो पानी है, यहाँ के जो यहाँ पे पाइप लाइन बिछाई गई है, तो क्या है इसमें लग रहा है आपको? कुछ बिना लग रहा है, पसेड़ वसेड़ा पे पानी आ रहा है, इनका जावे नहीं। तो यहाँ पे जो अधिकारी या नेता कुछ कहते, कुछ आप ही बात करीब इस गाँव में कितने लोग रहते हैं यहाँ पर? क्या कहेंगे? कोई नल का पानी नहीं है, ये पसियावला का पानी है। इसको कह रहे हैं, इसमें भीड़ मस्ती बस यही है ना,
कोई नहीं, इस जोहर का पानी है, आप चेक करके देखो। पीने के पानी के लिए लोग नहीं, इसके लिए जो लोग आपने जो नेता आते हैं लोग इतने दिनों से काफी कब से परेशान है, कुछ भी नहीं करते वो नेता। तो ये पानी की तो बहुत बड़ी समस्या है। अरे खूब जब हमें भर जाम मतलब रहे आपका, अब तू है तू करके करके कर रैली वाल परियोजना भी जो आई यहाँ पर करके काफी करोड़ खर्च करे तो क्या है, वो आई नहीं अभी यहाँ पर, कुछ नहीं कुछ नहीं है करीब करीब यहाँ पर जो जो लाइन जो फैली हुई है क्या उनके बिल आ रहे हैं आपके यहाँ पर? हाँ बिल भी आ रहे हैं, पानी भी ला रहे, बूंद पानी नहीं, आप तुमको देख सकते हो, घर घर में देख सकते हो। क्या कहेंगे आप? पानी ना भाई, ये 40 साल हमें हो गए यहाँ रहते हुए, पानी एक घूट ना है, नमक जैसा पानी है, ऊपर वाला बरसे जब तो दाल के लिए पानी लेते हैं हम, जब उसमें दाल बनती है। तो इसके लिए कोई समाधान हुआ आज तक? कोई कुछ ना हुआ, आते हैं चले जाते हैं, कुछ ना होने वाला। तो महिलाओं को तो काफी दिक्कत करी, कितनी कितनी दूर से पानी लाती है? दूसरे गाँव में से आता है पानी, इधर इधर चैम्बर खुदा हुआ वहाँ से आता है पानी, साइकिल ले जाते हैं, कोई सर से लाता है, जिसके पास कुछ ना हो लेते हैं। ये तो बिल्कुल कड़वा पानी, तुमने आपने देखा तो है। और यहाँ टैंकरों का क्या हाल है? टैंकर 14 से 15 से मिल रहा है गरीब आदमी को, उसकी तो वो पीना ना है, जिसके पास पैसा है वो पानी पिएगा टैंकर डलवा के, जिसके पास रहता से रहेगा। हालांकि लोगों का कहना है और महिलाओं का कहना है कि करीब 20 वर्षों से पानी की समस्या जस की तस है, प्रशासन से लेकर राजनेता यहां पर वादे जरूर करते हैं लेकिन कोई भी वादा यहां पर खरा नहीं उतरता।